नोएडा की जनता साइबर क्राइम से जुड़ी शिकायतें अब हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके दे सकती हैं। बता दें कि सहायता के लिए कराए गए उपलब्ध नंबर अब 24 घंटे चालू रहेंगे। इस साइबर सेल में 8 लोगों की टीम काम करेगी। इसके अलावा कमिश्नर ऑफिस में नारकोटिक सेल का भी उद्घाटन किया गया है। साथ ही साथ कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि जो पीड़ित आकर अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं उनके साथ पैसे को लेकर फ्रॉड हुआ होता है। उनकी शिकायत पर अब तुरंत कार्रवाई होगी और जो शिकायतें पेंडिंग पड़ी रहती हैं और उस पर भी कार्रवाई होने में देरी हो जाती है। पूरा प्रयास किया जाएगा कि किसी भी शिकायत पर देरी ना हो और उस पर तुरंत कार्रवाई हो। आगे कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने मीडिया के सामने और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। गौतम बुद्ध नगर जनपद में ऑफलाइन साइबर शिकायतों की संख्याओं का एक बहुत लंबा सफ़र रहा है और बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक नंबर में ये शिकायतें हमारे पास रोज़ आ रही हैं। आज एक सी उद्देश्य से इन शिकायतों के टाइम बाउंड निस्तारण के लिए एक हेल्पलाइन की शुरुआत जनपद में की जा रही है और इस टास्क फोर्स को गठित करके 24 घंटे इस हेल्पलाइन की मॉनिटरिंग सुनिश्चित कराई जाएगी। कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने आगे बताया कि गौतम बुद्ध नगर में ऑफलाइन सभी साइबर फ्रॉड की शिकायतें काफी बढ़ती जा रही हैं और इनकी समय रहते कार्रवाई नहीं हो पाती है। इसी को टाइम बाउंड करने यानी कि इन पर कार्यवाही समय पर हो सके, इसके लिए आज सेक्टर 108 कमिश्नर ऑफिस में साइबर सेल का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही कमिश्नर ऑफिस में नार्कोटिक सेल का भी उद्घाटन किया गया है। आगे कमिश्नर ने बताया कि टास्क फोर्स गठित किया जाएगा ताकि वह 24 घंटे के अंदर इस तरह की शिकायतों पर कार्रवाई कर सके। वहीं अगर जनता के साथ किसी भी तरह का फ्रॉड होता है तो वह 48610 पर कॉल करके अपने साथ हुए फ्रॉड की जानकारी तुरंत साइबर सेल को दे सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा जारी की गई हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। वहीं इसके आगे कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि स्थानों पर स्थापित साइबर हेल्थ डेस्क और जून में स्थापित आईटी सेल के संबंध में विस्तृत एसओपी न होने के कारण वहां आ रही शिकायतों का निस्तारण समय पर नहीं हो पा रहा है और उसे स्क्रीन लाइक करने के लिए ही एसओपी का गठन करके उन सभी हेल्पलाइन डेस्क को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा और वन स्टॉप अरेंजमेंट बनाया जाएगा जिससे वहां आने वाली शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया जा सके। 48461000 इस नंबर पर आपके साथ अगर कहीं भी किसी भी तरह का फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड हुआ हो, नॉन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड हुआ हो या कंपनियों के मध्य ट्रांजैक्शन में कोई हेरा फेरी हुई हो तो इस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा जारी की गई नेशनल हेल्पलाइन 1930 के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए भी इस हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है और उनसे संपर्क करते हुए इन साइबर फ्रॉड्स की शिकायतों का निस्तारण कराना सुनिश्चित कराया जा रहा है। थानों पर स्थापित साइबर हेल्प डेस्क के संबंध में और जोन में स्थापित आईटी सेल के संबंध में एस किसी डिस्टिंक्ट और विस्तृत एसओपी ना होने के कारण वहां आ रही शिकायतों के निस्तारण में बहुत समय अनावश्यक रूप से व्यतीत हो रहा था और उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए इस एसओपी का गठन करके इस हेल्पलाइन से, इस हेल्प डेस्क से उन सभी को स्ट्रीमलाइन करते हुए निस्तारण के लिए वन स्टॉप अरेंजमेंट इसको बनाया गया है। कितने लोगों की टीम होगी मैम इसके लिए? इसमें 8 व्यक्तियों की टीम 12-12 घंटों की शिफ्ट पर कार्यरत रहेगी। इसके अतिरिक्त टास्क फोर्स में हमारे साइबर लॉज में पारंगत अच्छी ट्रेनिंग पाए हुए इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स की भी पोस्टिंग की गई है जो टास्क फोर्स के माध्यम से जो इनिशियल हमको अकाउंट फ्रीज करवाना, इनिशियल हमको आईपी एड्रेसेस निकलवाने, इनिशियल जो हमको टेक्निकल इसमें नो हाउ लाना है वो इसमें लाएंगे और उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस को आईटी सेल के माध्यम से एक समय बाउंड, टाइम बाउंड रूप से उसको निस्तारण सुनिश्चित कराएंगे। नशे के खिलाफ मैम जिस तरीके का चल रहा है कारोबार उसको कैसे रोकेंगे? नारकोटिक्स की भी शिकायतें यहाँ पर पाई गई थीं और पिछले 2 माहों में हमने कई गैंग्स को पकड़कर रोकने की पूरी कोशिश की है। इसके माध्यम से ये चीज़ें सामने आई हैं कि ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के माध्यम से बहुत बड़ा एक नारकोटिक सप्लाई का माध्यम दिल्ली NCR में हो रहा है, इसलिए इस हेल्पलाइन का गठन किया गया है। 48461001
इस नंबर को आपके माध्यम से हम गौतम बुद्ध नगर की प्रत्येक जनता को देना चाहते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप अपने आसपास, स्कूल कॉलेजेस के आसपास, हॉस्पिटल्स, क्लब, पब, रेस्टोरों के आसपास, कहीं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।